हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। आपके स्किन के जो लार्ज पोर्स है उनको टाइट करेगा, मिनिमाइज करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको पिंपल्स, मुहासे या एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करेगा। और अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे की शिकायत है, कैसे भी दाग धब्बे हैं, पुराने से पुराने, पिंपल्स, मुहासे की या कैसे भी, तो ये उनको दूर करने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको टमाटर का फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ। तो ये फेस पैक बनाने के लिए आपको यहाँ चाहिए सबसे पहले एक फ्रेश लाल पका हुआ टमाटर। और अब आपको यहाँ चाहिए एक क्लीन बाउल। आप यहाँ क्लीन बाउल ले लीजिए। और दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टमाटर को दो टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक बाउल लीजिए। ये जो कद्दूकस करने वाली होती है, इसकी मदद से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले आप इसका हल्का सा ये जूस निकाल दीजिए ताकि साइड से फैले ना, इस तरह से। दोस्तों, टमाटर हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। टमाटर में कई तरह के ऐसे विटामिन होते हैं जो कि ना सिर्फ हमारी त्वचा के दाग धब्बों को दूर करता है, बल्कि ये हमारी त्वचा में कोलेजन के स्तर को बढ़ाकर त्वचा को बहुत ही हेल्थी, ग्लोइंग और बहुत ही स्पॉटलेस बनाने में हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब आपको इसमें अगली चीज़ जो चाहिए वो है यहाँ पर ये लेमन। लेमन आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेमन का इस्तेमाल अगर आप अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी होने के साथ साथ इसमें कई तरह के ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके फेस पर, अगर आपको पिंपल्स की शिकायत है, सबसे पहले तो ये आपके पिंपल्स को दूर करेगा। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये आपकी स्किन को, ऑयलीनेस को दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा सनटेन हो गया है धूप में रहने की वजह से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे की शिकायत है, तो ये उसको रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। लेमन को दो टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच के बराबर लेमन जूस, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें आधा चम्मच लेमन जूस ऐड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें सिर्फ दो चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है और हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा ये जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, अगर आप इसको कद्दूकस करने पर अगर आपको ये पतला पेस्ट ना मिले तो आप इसको ग्राइंडर की मदद से बारीक पीस भी सकते हैं। तो ये उससे और भी ज़्यादा आपको जो है काफ़ी महीन पेस्ट बनके तैयार होगा। तो आपको क्या करना है, कॉटन की मदद से या फिर अपने हाथ की मदद से आप इस मिश्रण को अपने पूरे फेस पर, गर्दन पर, अपने हाथ पैर पर, जहाँ भी चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको 15 मिनट तक अपने फेस पर लगा छोड़ देते हैं तो ये आपके फेस को बहुत ही ब्राइट बनाएगा, लाइट बनाएगा। आपके फेस पर जो भी दाग धब्बे हैं उन दाग धब्बों को ये जड़ से खत्म करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपको जो भी, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में शादी या पार्टी है, कोई भी फंक्शन है, और आपने देखा होगा कि काफ़ी लड़कियां पार्लर जाकर अपनी फेशियल करवाती हैं, ब्लीच करवाती हैं, तो आपको वो सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस मास्क को बनाइए, अपने पूरे फेस पर, गर्दन पर, हाथ पैर पर इसको अप्लाई कीजिए। इससे आपको एकदम ब्लीच से भी बहुत ही अच्छा, ब्लीच जैसा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग गुण होते हैं। जो हमने इसमें लेमन और टमाटर लिया है, ये दोनों ही ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो कि आपके फेस के जो भी धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, डलनेस है या फिर जो भी डेड सेल्स हैं, उन सबको रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आप कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस मिश्रण को आप लीजिए इस तरह से और अपने हाथ पर, अपने फेस पर, जहाँ भी आप स्किन को ब्राइट बनाना चाहते हैं, लाइट बनाना चाहते हैं, उस जगह पर अप्लाई कीजिए। और इस तरह से आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए इस तरह से आपको रब करना है। रब करने से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप जब इसको रब करेंगे, मसाज करेंगे, तो इसके बाद आपको कम से कम ये अच्छे से मसाज कर लेनी है। और उसके बाद आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप अपने हाथ को फेस को, चेहरे को, बॉडी को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई कीजिए। मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।